नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है मीरा, जिसमें हम मीरा के प्रथम पद की व्याख्या करेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मानते हुए कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख का मुकुट बना हुआ है, मेरे तो वही पति हैं और इसके अलावा मेरा कोई दूसरा और नहीं है। फिर वो कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कहानी, का कर यही कोई, संतन ढिग बैठे बैठे लो के लाज खोई। कि मैंने कुल की मर्यादा को खो दिया है, कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादा को खो दिया है, इसमें कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। संतन ढिग बैठे बैठे यानी मैं संतों के पास बैठ बैठ के मैंने अपनी लोक लाज सब खो दी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और मैं संतों के पास बैठती हूँ और यही कारण है कि लोग मुझे अनाप शनाप बातें मेरे साथ करते हैं, लोक लाज खो दी है मैंने। फिर वो कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल हुई। वो कहती हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल जो है, लता जो है, वह अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर उगाई है और अब वह बेल इतनी बड़ी हो गई है, इतनी फैल गई है कि अब तो बस उस पर आनंद के फल उत्पन्न होने लगे हैं, आनंद रूपी फल मेरे प्रेम की बेल पर लगने लगे हैं। मीरा जी कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लयो डारी दही छुई। वो कहते हैं, मैंने बहुत ही प्रेम से जो छाछ है वह बिलोई है, मथनिया से, मथनी से मैंने जो छाछ है बिलो बिलो कर उसमें से घृत काढ़ लिया है, घृत यानी घी निकाल लिया है और छाई जो बची थी, छोई बची थी, वह फेंक दी है, यानी माखन को हटाने के बाद जो छाछ बच जाती है वह उन्होंने फेंक दी है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो भक्तों को देख के बहुत खुश होती हूँ, लेकिन संसार को देख के मुझे रोना आता है। जो कृष्ण को नहीं मानता उस संसार को देख करके मीरा जी कहती हैं कि उन्हें रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, कि दासी है मीरा तो और आप मेरे गिरधर गोपाल मेरे स्वामी हो, अब मुझे इस संसार के भव से पार करो, मुझे इस संसार से पार लगाओ। यहाँ विशेष रूप से मैं आपको यह वर्णन करना चाहूँगी इस पद के बारे में कि मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है, वे पूरी तरह से कृष्णा को समर्पित हैं। उन्होंने राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध भक्ति करके अपने समाज से संघर्ष किया। इस पद में संसार की निसारता प्रकट हुई है। कवयित्री भक्ति को ही सार तत्व मानती हैं और संसार को असार मानती हैं, जिसका कोई सारांश नहीं है। मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है। कबीर ने भी कहा है, हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। मीरा का यह पद संगीत, लय और मधुरता के कारण अत्यंत मनोरम बन पड़ा है। मीरा अपने पदों को स्वयं गाया करती थी। प्रेम बेल और आनंद फल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ छोई में अनियोक्ति अलंकार है। गिरिधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहा करियई कोई, लोक लाज बेली बोई, बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनः रुक्ति अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण काव्य बहुत ही सुंदर बन गया है। कृष्ण के नाम जैसे गिरधर गोपाल लाल आदि प्रयोग में लाए गए हैं। इस पद में भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति पाई जाती है।